हेलो गाइस, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हम ये होम वर्कआउट करते हैं इस क्वारंटाइन पीरियड के दौरान, क्या ये होम वर्कआउट करने का कोई फायदा है या फिर क्या हम जस्ट अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो गाइस, 2011 में एक स्टडी आई थी जहाँ पे ये पाया गया कि अगर आप अपना जिम किसी भी रीजन से स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन योर मसल मास, आपको अपने प्रीवियस लेवल जितना पहले वर्कआउट करते थे उसका 1/3 करना पड़ेगा। तो अगर आप पहले सपोज 6 डेज अपना वर्कआउट करते थे तो आप लेट्स से 2 डेज करेंगे, एंड अगर आप पहले लेट्स से 1 आवर अपना वर्कआउट करते थे तो आप अपना 20 मिनट्स वर्कआउट करेंगे। तो किसी भी तरह से आपको 1/3 अपना वर्कआउट करना, लेकिन आपकी जो इंटेंसिटी है वो सेम रहनी चाहिए। सो जब हम इंटेंसिटी बोलते हैं उसका ये मतलब होता है कि आपका जो 1 RM है उसके कंपैरिजन में आप अपने सेट्स को करने के लिए कितना लोड ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा 1 RM लेट्स से 100 kg है किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, तो अगर मैं अपना सेट करने के लिए लेट्स से 85 kg उठाता हूँ तो वो जो मेरी एक्सरसाइज है इंटेंस एक्सरसाइज कहलाएगी। अगर मैं अपने दूसरे सेट में लेट्स से मैं 95 kg उठाता हूँ तो वो मेरी एक्सरसाइज, उसकी जो इंटेंसिटी होगी और ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। अगर मैं अपना थर्ड सेट उसमें लेट्स से मैं 60 kg से करता हूँ तो वहाँ पे जो मेरी इंटेंसिटी होगी वो दोनों प्रीवियस सेट्स के कंपेरिजन में काफ़ी कम होगी। बट हमें पता है कि हम होम वर्कआउट में इतना इंटेंसिटी लेके नहीं जा सकते। हम थोड़े बहुत मेजर्स अपनाते हैं, जैसे कि हम अपना रेस्ट पीरियड कम कर सकते हैं, हम अपने सेट्स को क्लोज टू फेलियर लेके जाते हैं। तो ये एक अलग वे है इंटेंसिटी हल्के से बढ़ाने के लिए, लेकिन वो जो हैवी लोड वाला इंटेंसिटी होता है वो हम अपने होम वर्कआउट में लेके नहीं आ सकते। बट हाँ, जैसे पुलअप्स वगैरह हो गई, तो उसमें ज्यादातर लोग जो है उनका जो रेप रेंज है वो 6 से लेके 12-15 के बीच में लाई करता है, तो उस केस में, तो पुलअप्स के केस में तो आपकी इंटेंसिटी थोड़ी बहुत ठीक ठाक रहती है, लेकिन जो बाकी एक्सरसाइजेस होती हैं वहाँ पे हमारी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं जा पाती, क्योंकि हमें उसमें हम बहुत सारे रेपिटेशन निकाल लेते हैं। लेट्स से हम बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, चाहे ईंट ले लें, चाहे रेजिस्टेंस बैंड ले लें, वहाँ पे हम 30-40-50 रेपिटेशन निकालते हैं, तो जो हैवी लोड वाला इंटेंसिटी वो आ नहीं पाता। सो यहाँ पे हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं कि आप 1/3 वर्कआउट करेंगे लेकिन आपकी इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि क्या हम होम वर्कआउट करके इस क्वारंटीन के पीरियड में हम अपना मसल गेन कर पाएंगे, तो मेरा आंसर होगा कि गाइस नहीं, आप मसल ऐसा गेन नहीं कर सकते। तो अब सवाल आता है कि क्यों, फिर हम क्यों अपना होम वर्कआउट कर रहे हैं, क्या अपने आपको जस्ट एक मेंटल सेटिस्फेक्शन देने के लिए? सो मैं अब आपको इसका क्लियर आंसर बताता हूँ। तो गाइस, जब हम होम वर्कआउट कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमारा बेसिक आइडिया इज टू रिमेन एक्टिव रादर देन बीइंग सेडेंटरी। मतलब यहाँ पे हमारा बेसिक ये आइडिया है कि कुछ भी ना करने से अच्छा है कि कुछ तो कर लिया जाए। अब सवाल ये है कि जब वो कुछ तो करने से कोई फायदा हो ही नहीं रहा है तो हम क्यों करें? तो गाइस, यस, यहाँ पे फायदा आपको होता है, फायदा इन टर्म्स ऑफ आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाते हैं आप वर्कआउट करके। तो यहाँ पे आपको एक हल्का सा रूम मिल जाता है आपको हल्का सा एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत रेस्ट्रिक्टेड, बहुत कम खाना खाने को मिल रहा है, बहुत कम कैलोरीज कंज्यूम करने को मिल रहा है, एंड क्योंकि आप एक्सरसाइज करके थोड़ी सी अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो आपके जो फैट गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, जो चांसेस होते हैं, उसको आप कम करते हैं। अब गाइस, आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, मेंटेनेंस में लेना चाहिए, डेफिसिट में लेना चाहिए, सरप्लस में लेना चाहिए, किस तरह से आपको अपना कैलोरिक एडजस्टमेंट्स करने चाहिए, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो जब ये वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो की लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो अब जब मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे एक्सरसाइज होम वर्कआउट करने का यहां पे मेन मकसद ये है कि थोड़ा सा हम अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करें, हल्का सा हम अपना कैलोरी एक्सपेंडिचर जो है उसको बढ़ा के रखें, तो यहां पे सवाल ये आएगा कि क्या हम अपना मसल लॉस कर बैठेंगे, क्या हमें मसल को सेव करने में कोई फायदा नहीं हो रहा है? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मसल लॉस करना इतना आसान नहीं होता है। आप जैसे सोच रहे हैं ना कि भाई मैंने एक हफ्ता वर्कआउट नहीं करा तो मेरा मसल लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैंने इस चीज के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो इसके लिए डेडिकेट करा है कि वर्कआउट छोड़ने के कितने दिन बाद आपको मसल लॉस होता है और आपको किस तरह से अपना डाइट का एडजस्टमेंट करना चाहिए, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। उस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और एंड स्क्रीन में भी है। सो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, अगर आप अपना वर्कआउट छोड़ते हैं तो 2-3-4 हफ्तों तक तो आपको कोई भी सिग्निफिकेंट जो मसल साइज का लॉस है वो आपको नजर नहीं आता है। एक लंबा पीरियड चाहिए होता है आपको अपने साइज के गिरावट को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको नोटिस करने के लिए। सो ये इतना आसान नहीं होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि आपको अपने मसल मास को सेव करके रखने के लिए आपको एटलीस्ट उसका 1/3 करना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हम कंप्लीटली सिडेंटरी होकर घर पे बैठ नहीं रहे, हम एटलीस्ट कुछ कर रहे हैं, एंड
यहाँ पे भी हम अपना स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। अगर आपने हमारी होमवर्कआउट की जो पहली वीडियो देखी होगी वहाँ पे मैंने बताया था कि क्या स्ट्रेटजी है हमारी। यहाँ पे ये स्ट्रेटजीज है कि हम फ्रिक्वेंटली अपने मसल को ट्रेन करते हैं, हर एक मसल ग्रुप को मोर फ्रिक्वेंसी हम प्रोवाइड करें पूरे वीक में, एंड हम अपने सेट्स को क्लोज टू फेलियर ले जाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हम भले ही 1/3 इंटेंसिटी नहीं दे पा रहे हैं, बट हम कंप्लीटली सिडेंट्री भी तो नहीं है। सो यहाँ पे हम अपने मसल साइज की गिरावट को, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक्चुअल मसल लॉस है, मसल एट्रोफी है, उसको डिले कर रहे हैं, उसको इतनी जल्दी नहीं होने दे रहे हैं। तो यस, कंप्लीटली होम वर्कआउट करने के फायदे तो हैं, जैसे कि आपने देखा कि आप अपने कैलोरी एक्सपेंडिचर जो है उसको बढ़ा रहे हैं, प्लस आप अपने मसल एट्रोफी को, मसल लॉस को भी डिले कर रहे हैं। एंड वैसे भी आपका मसल लॉस इतने आसानी से नहीं होता है, तो इतना फिक्र करना छोड़ें, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिलैक्स, मजे करें और अपना होम वर्कआउट करते रहें। यस, डेफिनेटली इसका बेनिफिट है, लेकिन आप इससे मसल गेन कर पाओगे ऐसा नहीं है। अगर हम बिगनर्स की बात करें तो यस, उनको कंप्लीटली इसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उन्होंने वर्कआउट जैसे शुरू ही करा है, तो इनके लिए ये जो आपका स्टिमुलस मिलता है होम वर्कआउट से, जो बॉडी वेट से जो स्टिमुलस मिलता है, उनके लिए वो काफी होता है मसल गेन करने के लिए। लेकिन अगर एडवांस लिफ्टर्स की बात करें तो उनके लिए ये कुछ बहुत ज्यादा अलग प्रूफ नहीं होता है, बस आपको अपना मसल मास थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए हेल्प मिलता है, और थोड़ा सा अपना जो कैलोरिक एक्सपेंडिचर है उसको थोड़ा सा आप अपना बढ़ाते हैं। एंड गाइस, अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो यस, स्ट्रेंथ में तो ड्रॉप आपको नजर आता है, तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वही चीजें अपनानी पड़ती है कि आपको हैवी लोड लेना पड़ेगा, अपना हैवी वर्कआउट करना पड़ेगा, जो कि होम वर्कआउट के साथ पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रेंथ के साथ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बाकी मसल मास के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं और थोड़ा उसकी जो एट्रोफी है उसको डिले कर सकते हैं। वैसे भी जैसे मैंने बताया, मसल मास इतने इजीली आपका लॉस नहीं होता। सो गाइस, ये थी आज की सारी वीडियो, होप आपको चीजें क्लियर हुई हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो गाइस प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको लगता है इस वीडियो से किसी को मदद मिल सकती है, तो गाइस प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाए अगर आप हमारे एक न्यू व्यूअर है। सो गाइस, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, दिस इज मानस, टेक केयर।